ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हूं। यहां आपको नागरिक से रक्षक बनाने का काम होता है, यहां आपको आम जन से देशभक्त सशस्त्र सेनानी बनाने का काम यहां होता है, और यहीं से आप एक शिस्त के अंदर, एक डिसिप्लिन के अंदर अपने जीवन को एक नए प्रकार के खाके के अंदर ढालने की शुरुआत करते हैं। आज मैं यहां आया हूं तब मैं इतना निश्चित कहना चाहता हूं कि सीआरपीएफ के 2000 से ज्यादा जवानों ने जो बलिदान दिया है, इसी के कारण आज हमारा देश सुरक्षित है और इसकी आंतरिक सुरक्षा सब। जब बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं थी तब 1959 हो, भारत चीन सीमा पर सटा हुआ हॉट स्प्रिंग का हो या सरदार चौकी हो भूज के अंदर, हर जगह पे सबसे पहला दुश्मन को चैलेंज करने का काम किया तो सीआरपीएफ ने काम किया। और जब देश आगे बढ़ता गया, हमारी आजादी के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ती गई, परिवर्तन भी आता गया। सीआरपीएफ के काम में शुरू से आज तक देखो तो आमूलचूर परिवर्तन आया है, मगर मैं जब एनालिसिस करता हूं तो हमेशा पाता हूं कि हर परिवर्तन को सीआरपीएफ ने बहुत सहज तरीके से आत्मसात कर अपने आप को नए खाते में ढाला है। पहले देश की सीमाओं की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, फिर आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आई, फिर दंगे रोकने की जिम्मेदारी आई, फिर वामपंथी उग्रवादियों के सामने लड़ने की जिम्मेदारी आई, चाहे नॉर्थ ईस्ट के थिएटर में काम करने की जिम्मेदारी आई, कश्मीर में काम करने की जिम्मेदारी आई, सीआरपीएफ के जवानों ने हर रिक्वायरमेंट के खाके में अपने आप को ढालकर हर रिक्वायरमेंट, हर अपेक्षा जो आपसे रखी गई उसको बखूबी निभाने का काम किया है, और हर मोर्चे पर सीआरपीएफ की यश पताका को आपने गौरव के साथ आसमान तक ऊंचा लगाने का काम किया है। और जो सीआरपीएफ के इतिहास को ध्यान से जाने नहीं है, पहचाने नहीं है, इनको मेरा ये वाक्य थोड़ा अतिशयोक्ति लग सकता है, परंतु मैं सभी लोगों के सामने वाक्य इसलिए जरूर बोलना चाहता हूं कि मैं इसको वास्तविकता मानता हूं कि सीआरपीएफ के बगैर देश की आंतरिक सुरक्षा की कल्पना हो ही नहीं सकती है, बच ही नहीं। और यहां पर लगभग 800 जवानों के ट्रेनिंग की व्यवस्था है, और यहीं पर सीआरपीएफ के जवान ट्रेन होकर देश की सेवा में लगते हैं। मित्रों, मैं आज आप लोगों के बीच में बड़ी लंबी बात करने नहीं आया हूं, परंतु इतना जरूर कहता हूं मुझे और पूरे देश को आप लोगों के त्याग, बलिदान और समर्पण पर गर्व है, और आप जो देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में आपका योगदान दे रहे हो, देश में जो विकास हो रहा है, देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो आपके समर्पण और आपके बलिदान के अलावे संभव नहीं है। इसलिए आप लोगों के त्याग, तपस्या और बलिदान को साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, मगर फिर से आग्रह करता हूं कि सीआरपीएफ का हर जवान अपने आप को एक वृक्ष के साथ जोड़े और प्रकृति की सेवा करने का काम, देश की सुरक्षा के काम के जितने ही बखूबी आप लोग निभाए, ऐसी शुभकामनाएं देकर आप सभी को नमस्कार करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।